ये जो कुदरत की खूबसूरती होती है ना, इसके सामने कुछ और चीज़ मायने नहीं रखती। तो देखना क्या व्यू है, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। जो सनसेट होता है और जो सनराइज होता है उसका ना जो आनंद है वो अलग ही है। एक सूदिंग अंदर तक ठंडक मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। यार आना चाहिए हमें मॉर्निंग में, इवनिंग में एक बार तो टेरेस पर आना चाहिए। वाह, अरे श्लोक भी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाला था। है ना, तो अपन श्लोक तो हमारे हो गए थे 23 तक हो गए थे। चलो तो आपके सामने प्रस्तुत है श्लोक नंबर 24। श्लोक नंबर 24 और 25 का भावार्थ भगवत गीता में इकट्ठा दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इकट्ठा ही उन दोनों का उच्चारण करूंगा और इकट्ठा ही उन दोनों का भावार्थ बताऊंगा। जैसा कि श्लोक नंबर 23 में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप हो रही थी कि श्री कृष्ण को अर्जुन ने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष से कौन कौन योद्धा लड़ने आ रहे हैं। तो मैं उच्चारण करता हूँ श्लोक नंबर 24 का और 25 का एक साथ। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सैन्य रूप भयो मध्य स्थापित उत्वा रथोत्तम भीष्णो द्रोण प्रमुख कत सर्वेशाम च महिक्षताम वाच पार्थ पश्यतान संवेदान कुरु नित्य। इन दोनों का भावार्थ ये है कि संजय बोलते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच उनका उत्तम रथ खड़ा कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के समक्ष संपूर्ण राजनेताओं के सामने उनका उत्तम रथ खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देख। तो अब आते हैं श्लोक नंबर 26 पर। तत्र पश्चित स्थान पार्थ पितृ नथ पिता महान आचारन मातुलान भारत न पुत्र न पोत्रान सखे स्थिता शवशुरान सुहृदश्च वा सैन्यरुभयो रपि। इसका भावार्थ है, प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं, दादा परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देखा। तो इस प्रकार जैसा कि मैंने आपको श्लोक नंबर 24 और 25 में बताया था कि उन द्रोणाचार्य और अपने सारे रिश्तेदारों के सामने अर्जुन का उत्तम रथ आकर रुका और उन सब को देखने के बाद अर्जुन ने क्या कहा। दोस्तों आप इस जगह कंफ्यूज मत होना कि कई बार मैं बोलता हूँ कि संजय ने धृतराष्ट्र से ये कहा, कई बार बोलता हूँ कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा। तो एक्चुअली में संजय धृतराष्ट्र को सारा वृतांत सुना रहे हैं कि जब अर्जुन बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि अर्जुन ने ये कहा, दुर्योधन बोलते हैं तो दुर्योधन ने ये कहा। मेन संजय जी धृतराष्ट्र को सारा वृतांत सुना रहे हैं। तो आप बीच बीच में कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी संजय बोलते हैं कभी अर्जुन बोलते हैं। संजय जी धृतराष्ट्र को अर्जुन का वार्तालाप, कृष्ण का वार्तालाप या जिस किसी का भी वार्तालाप हो रहा है उसका वृतांत धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं। ठीक है अक्षत जी भैया, अभी 4 श्लोक हो गए अपने यहाँ पर, नहीं 3 हुए, 3 श्लोक हुए। तो रोजाना छत पे एक बार आ जाएंगे, टेरेस पे आके थोड़ा एक अच्छा फील होता है। तो लोगों को सूर्य उदय और सूर्य क्या बोलते हैं सनसेट, इतनी भी शुद्ध हिंदी नहीं है मेरी, सूर्य अस्त कम से कम देखने का मौका तो मिलेगा। मेरे ख्याल से काफी लोग तो निकलते भी नहीं होंगे, सुबह उठते भी नहीं आज के टाइम। भैया जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि जो फोटोग्राफर होते हैं अच्छा, वो नॉर्मल इंसान से 130 गुना ज्यादा बार सनसेट और सनराइज देखते हैं। हाँ, तो इस बहाने आपके बहाने क्या पता लोग डेली सनराइज और सनसेट देख सकते। एक चीज मुझे समझ में आई है, जो फोटोग्राफर होते हैं ना
वो अपना थोड़ा सा बखान करने में पीछे नहीं हटते। अब देखो मैं तो काम कर ही रहा हूँ ये धर्म का, एक अपने जो टैलेंट है वो दिखाने से लोग पीछे नहीं हटते हैं। भाई 130 बार ज़्यादा तुम देख रहे हो इसे, इसका मतलब क्या, यानी 130 बार ज़्यादा आप लोग आम लोग उसे 130 बार ज़्यादा आप देख रहे हो ना, यानी 130 बार ज़्यादा आप लोग इंजॉय कर रहे हो, आनंद आप ही ले रहे हैं। तो टैलेंट की तो कमी नहीं है आपके अंदर, टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है, और जो कुछ थोड़ी बहुत कमी है गीता सार के थ्रू आप वो पूरी कर रहे हैं। देखो इसमें लालच तो है तुम्हारा कहीं ना कहीं, सीधा मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं आप, हैं? सबसे बड़ा लालच है। नहीं नहीं यार, मोक्ष की प्राप्ति क्या है, सुन लिया इतना ही बहुत है ज़िंदगी में। और मुझे अच्छा ये भी लगता है कि तो मुझे फोर्स करता है, मतलब फोर्स नहीं, एक थोड़ा सा एक पीछे से पुश होता है ना कि भैया करते हैं करते हैं करते हैं। मैं कई बार लेज़ी भी फील करता हूँ, मैंने कहा करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोग थोड़ा सा लेज़ी फील करने लगते हैं चीज़ों को, तो एक पुश कर रहा है ना, तो मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा पुण्य तुझे मिलेगा। और थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स जो भी लाइक्स कर रहे हैं, जो भी इस चीज़ों को हमारे थ्रू या आपके थ्रू ये आगे बढ़ रही हैं, लोग सीख रहे हैं, तो अगली जनरेशन के लिए और हमारी जनरेशन के लिए, ख़ासतौर से यंग जनरेशन यूथ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ साथ आप भी इस चीज़ों को आगे बढ़ाएं, जैसे मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप अपने से आगे अपने परिवार को अपने घर वालों को दोस्तों को आगे इस चीज़ को स्प्रेड करें, जागरूकता फैलाएँ, और हमारी आने वाली जनरेशन इस चीज़ को, जैसे हमने अपने माता पिता से कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो ऐसे ही जब अगर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे जानेंगे तभी तो हम अगली जनरेशन को बता पाएंगे। तो आप सबका धन्यवाद, और आगे आप इस चीज़ को बढ़ाते रहिए, एक तरह की लेगेसी है हमारे जो पूर्वज छोड़ के गए हैं वो हम तक पहुँची हैं और हमको आगे बढ़ाना है। तो आगे के श्लोक बाद में करते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।